द्रौपदी मुर्मू बेशक तय मनी जा रही है जो महाराणा की आसराइया ने, पर जिस तरीके वोट परसेंटेज थोड़ी बहुत हिलती नजर आ रही है तो तुहाडा अंकड़ा की कहिंदा? नहीं, मेरा कोई अंकड़ा नहीं जी, मैं तो सिर्फ अपना यह समझदा कि जिहड़े MLAs ते MPs ने, ठीक है असीं पार्टियां दे नाल बजे होए हां, बट कुछ हद तक देश का राष्ट्रपति चुन जा रहे हैं। जे तुसीं अपनी कॉन्शियस की आवाज़ सुनोगे तो मैं दावे ना कह सकता कि यशवंत सिन्हा एक बहुत बेहतरीन कैंडिडेट ने, बहुत एक्सपीरियंसड ने, बहुत एजुकेटड ने, वाइडली एक्सेप्टेबल और अपने देश को रिप्रजेंट कई थावां ते इंटरनेशनली भी कर चुके हैं। सो मेरी तो अपील होना वास्ते मैं वोट उन्होंने पा के आया और उम्मीद यही करा जो तुम अपने कैंडिडेट वोट पाने हो यही उम्मीद करते कि तुहाडा ही कैंडिडेट जिते। जेकर असी घट गिनती की गल कर लीए तो बेशक एनडीए का उम्मीदवार कितने कितने घट गिनती च नज़र आ रहा है उपराष्ट्रपति का, पर जिस तरीके जगदीप धनखड़े का नाम आया तो की लगता है की जी मेरा ख्याल है कि ये जो लेवल के अहदे ने प्रेजिडेंट का और वाइस प्रेजिडेंट का, दिस हैज़ टू बी प्योरली ऑन मेरिट। ये जात पात धर्म ये तो फिर बहुत छोटे लेवल की पॉलिटिक्स है। मैं समझना बिकॉज वाइस प्रेजिडेंट होवे या प्रेजिडेंट होवे, प्रेजिडेंट जरा साडा आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर भी है। ही हैज़ टू बी वट शुड आई से वेरी वेरी इंडिपेंडेंट माइंडेड परसन टू एक्सरसाइज पावर्स। बहुत लोगों कैपिटल पनिशमेंट चो फैसला करना, देश के होर इंपोर्टेंट इशूज उत्ते उन्होंने डिलीबरेट करना। सो मैं समझदा कि ये इस लेवल से घट गिनती वध गिनती, ये काबिलियत मेरिट सब तो वड्डा आधार होना चाहिए। मैं उन्होंने कोई दूजा बयान नहीं सुनया है तो ना मैं उस बयान कोई कॉन्ट्रोवर्सी पैना चाहना, उन्होंने पूछ सकता शहीद भगत सिंह अपने इस देश का एक कौमी हीरा वा। सो अगर किसी का अपना कोई पर्सनल ओपिनियन, आई कैन नॉट चेंज दैट। द्रौपदी मुर्मू बेशक तय मनी जा रही है जो महाराणा की आसराइया ने, पर जिस तरीके वोट परसेंटेज थोड़ी बहुत हिलती नजर आ रही है तो तुहाडा अंकड़ा की कहिंदा? नहीं, मेरा कोई अंकड़ा नहीं जी, मैं तो सिर्फ अपना यह समझदा कि जिहड़े MLAs ते MPs ने, ठीक है असीं पार्टियां दे नाल बजे होए हां, बट कुछ हद तक देश का राष्ट्रपति चुन जा रहे हैं। जे तुसीं अपनी कॉन्शियस की आवाज़ सुनोगे तो मैं दावे ना कह सकता कि यशवंत सिन्हा एक बहुत बेहतरीन कैंडिडेट ने, बहुत एक्सपीरियंसड ने, बहुत एजुकेटड ने, वाइडली एक्सेप्टेबल और अपने देश को रिप्रजेंट कई थावां ते इंटरनेशनली भी कर चुके हैं। सो मेरी तो अपील होना वास्ते मैं वोट उन्होंने पा के आया और उम्मीद यही करा जो तुम अपने कैंडिडेट को वोट पाने हो यही उम्मीद करते कि तुहाडा ही कैंडिडेट जिते। जेकर असी घट गिनती की गल कर लीए तो बेशक एनडीए का उम्मीदवार कितने कितने घट गिनती च नज़र आ रहा है उपराष्ट्रपति का, पर जिस तरीके जगदीप धनखड़े का नाम आया तो की लगता है की जी मेरा ख्याल है कि ये जो लेवल के अहदे ने प्रेजिडेंट का और वाइस प्रेजिडेंट का, दिस हैज़ टू बी प्योरली ऑन मेरिट। ये जात पात धर्म ये तो फिर बहुत छोटे लेवल की पॉलिटिक्स है। मैं समझना बिकॉज वाइस प्रेजिडेंट होवे या प्रेजिडेंट होवे, प्रेजिडेंट जरा साडा आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर भी है। ही हैज़ टू बी वट शुड आई से वेरी वेरी इंडिपेंडेंट माइंडेड परसन टू एक्सरसाइज पावर्स। बहुत लोगों कैपिटल पनिशमेंट चो फैसला करना, देश के होर इंपोर्टेंट इशूज उत्ते उन्होंने डिलीबरेट करना। सो मैं समझदा कि ये इस लेवल से घट गिनती वध गिनती, ये काबिलियत मेरिट सब तो वड्डा आधार होना चाहिए। मैं उन्होंने कोई दूजा बयान नहीं सुनया है तो ना मैं उस बयान कोई कॉन्ट्रोवर्सी पैना चाहना, उन्होंने पूछ सकता भगत सिंह बारे जिस तरीके बयान दे रहे ने। नहीं, उन्होंने अपना पर्सनल ओपीनियन होगा, लेकिन एक गल कहन कुछ शक शुभा थोड़ो कि शहीद भगत सिंह अपने इस देश का एक कौमी हीरा वा। सो अगर किसी का अपना कोई पर्सनल ओपीनियन, आई कैन नॉट चेंज दैट। मियां मुराद अली जी, खुदा दे घर देर है अंधेर नहीं, हर समस्या दा समाधान। समस्या जिवें लव मैरिज, वशीकरण, किता कराया, लॉटरी नंबर होवे या लोटो मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। पहला मेरा लव मैरिज नूं लैके कोई भी काम नहीं बन रहा सी, बहुत जगह ते धक्के खाए। फिर बाद विच मैनूं किसे ने मियां मुराद जी अली बारे दस्या ते अज देखो मैं अपने वैवाहिक जीवन दे विच बहुत खुश हां। कारोबार इकदम ठप हो गया सी, असीं बड़े औखे हो गए। फिर सानू किसी ने मियां मोहम्मद अली जी बारे दस्या, उन्हां ने सारी साडी समस्या दा चंगी तरह जड़ो निपटारा कर दित्ता। हुण असीं बहुत खुश। हुणे कॉल करो 98417 18786, 97797 24075।